तक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नॉनस्टॉप 100 का वक्त हो चुका है, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि एनआईए अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एनआईए के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी मोहम्मद तंजील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मोहम्मद तंजील पठानकोट हमले की जांच से भी जुड़े थे। यूपी के बिजनौर में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। हमले में एनआईए अफसर की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमलजीत, और जानकारी दे। मोहम्मद तंजीम 45 साल के, पिछले 4 से 5 साल से जुड़े हुए थे एनआईए से। उन्हें पेरेंट कार्डर से एनआईए में इंडक्ट कर लिया गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने छुट्टी की मांग की थी। उन्होंने कहा बिजनौर में वो किसी शादी के लिए जा रहे हैं, और शादी से निकलते समय 700 से 800 मीटर दूर पे ही 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उन्हें गोली मारी। उनकी मौके पे ही मौत हो गई थी। एनआईए से एक बहुत सीरियस घटना बता रहा है, और उन्होंने अपना सीनियर लेवल ऑफिसर है डीआईजी लेड टीम वहां पे भेजी है। उन्होंने कहा है कि एटीएस के भी अफसर वहां पे मौजूद हैं, आईजी और डीआईजी, जिनसे वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि मोहम्मद तंजीम है वो अहम केसेस पठानकोट प्रोब तक में वो एक अहम हिस्सा निभा रहे थे, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा सेटबैक है, एक धक्का है एनआईए को। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस मामले में कुछ बोलने से पहले वो पहले सोचना चाहेंगे, पहले जानना चाहेंगे कि वहाँ की पुलिस जांच क्या बोल रही है, कि क्या ये कोई निजी रंजिश का मामला था या फिर कुछ और इसमें मोड़ आ सकता है।